आशुतोष सर, आपका स्वागत करता हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है लेजर लाइपोलिसिस। दोस्तों, लाइपोसक्शन के लिए आपने सुना होगा कि नॉर्मल पावर लाइपोसक्शन का प्रयोग होता है, अल्ट्रासाउंड का प्रयोग होता है और मैन्यूअल लाइपोसक्शन का प्रयोग होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका लेजर से भी लाइपोलिसिस हो सकता है तो वो पॉसिबल है, क्योंकि लेजर भी एक जात की एनर्जी है जो आपके फैट को लिक्विफाई कर देती है। तो रूटीनली हम लाइपोसक्शन के साथ में ये लेजर लाइपोलिसिस का प्रयोग करते हैं। लाइपोसक्शन करने के लिए पहले हम ट्यूमेसेंस एनेस्थेसिया का प्रयोग करते हैं, उसके बाद हम लेजर केबल को आपके जो एरिया की फैट निकालनी है वहां पे हम उसको एक लेवल पे घुमाते हैं, जिससे से आपकी जो फैट है वो लिक्विफाई हो जाती है, माने कि लिक्विड जैसी बन जाती है जो फैट सेल्स हैं वो, और बाद में उसको रूटीन लाइपोसक्शन करके हम इजीली निकाल सकते हैं। लेजर लाइपोलिसिस का फायदा क्या है कि वो स्किन के नीचे तक जा सकती है और वहां पे काफी टाइटनिंग इफेक्ट वो देती है स्किन के नीचे। इसलिए जब लूज स्किन है या आपको एक्स्ट्रा स्किन होने की संभावना है तो वैसे में अगर हम लेजर लाइपोलिसिस का प्रयोग करते हैं तो वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। तो आपके डबल चिन के लिए, आपके ब्रेस्ट के लिए या फिर आपके एब्डोमेन या बटक्स एरिया के लिए जब भी आप लाइपोसक्शन करा रहे हैं तो आप लेजर लाइपोलिसिस का प्रयोग कर सकते हैं। एलिगेंस क्लिनिक में गुजरात में पहली बार हम लेजर लाइपोलिसिस का प्रयोग कर रहे हैं और अभी तक काफ़ी सारे पेशेंट्स को हमने इससे अच्छा रिजल्ट दिया हुआ है। तो लेजर लाइपोलिसिस के बारे में अगर आपको कोई जानकारी लेनी है तो हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स ये वीडियो के एंड में है, उसके ऊपर सुबह 8 से लेकर शाम के 8 के बीच आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आपने आपका अमूल्य समय निकाल के वीडियो देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद।